खबरें तो आप हमारे चैनल पर अक्सर देखते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि जिस इलाके में हम ये खबरें करते हैं वहाँ बड़ी तादाद में आदिवासी भाई रहते हैं, तो उनकी जीवन शैली कैसी है, खान पान कैसा है, उनके गांव कैसे हैं, आज चलकर आपको बताया जाए। तो हम पहुँच रहे हैं, आज एक गांव है धामनी कटारा, झाबुआ जिले की राणापुर तहसील का, और इस गाँव में एक फलिया है धनजी फलिया। तो यहाँ पर एक घर में हम जाएंगे, फलिए का भी व्यू बताएंगे, कैसी जीवन शैली है, क्या खान पान है, क्या लाइफ स्टाइल है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो आइए आप हमारे साथ। फाइनली हम पहुंच गए हैं धामनी कटारा गांव के धनजी फलिया में। यहां देखिए एक स्कूल है, और यहां की जीवन शैली भी आप रास्ते में हमने ग्रामीण जीवन शैली आपको बताने की कोशिश की। अब चलते हैं, हम यहां पर एक परिचित है हमारे यहां विनोद, उनके घर पे चलेंगे। ट्राइबल हैं, भील ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की जीवन शैली, खान पान। आदिवासियों के जीवन शैली में बांस का एक अपना महत्व होता है। देखिए, इस गांव में हमको जहाँ तहाँ बांस दिख रहे हैं, मैं ऐसे ही एक बांस के झुरमुट पर खड़ा हूँ, इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको बांस दिखेंगे, और चारों तरफ गांव में कई जगह बांस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए आप, पूरा लगा हुआ है। ये बांस की एक अपनी वैल्यू होती है। ये बांस दरअसल रोज़ाना की जो चीज़ें हैं उसमें काम आते हैं, इससे खेती किसानी का काम की जो ज़रूरी चीज़ें वो भी बनती हैं। तो अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वो भी यहाँ पर बनाई जाती है। व्यावसायिक रूप से भी इसका इस्तेमाल स्थानीय आदिवासी कर लेते हैं। तो अब आगे चलते हैं, गांव में और भी दुर्लभ चीज़ें, अगर आप ये देख रहे हैं तो देखिए, इसको डागला कहते हैं, जूम करके दिखाइए। ये यहाँ पर अपना पूरी तरीके से घास जमा दी गई है, और इसके नीचे निवास भी कर रहे हैं, इससे तापमान कम हो जाता है और पशुओं के लिए चारा भी सुरक्षित हो जाता है। इसको डागला कहा जाता है। तो ऐसे और भी हम आपको डागले बताएंगे, और आपको बताएंगे कि जीवन शैली आदिवासियों की किस तरीके से हटकर है, और कैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गंभीर बीमारियां जो पनप रही हैं, जिसमें बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, लीवर सी, वो कैसे ट्राइबल बचे रहते हैं, सब कुछ बताएंगे। आइए। मैं इस समय आ गया हूँ विनोद भाई के घर पर, धामनी कटारा, धनजी फलिया, और मेरे साथ हैं मेरे राणापुर के सहयोगी हर्षवर्धन सिंह। तो आपको हमने अभी तस्वीरों में बताया कि किस तरीके से गांव का जीवन शैली होती है, और अब विनोद जी के ये घर है, आप देख रहे हैं, कबेलुओं से बना हुआ घर है, और ये इनका परिवार है। तो इनके परिवार से भी मिलेंगे, घर घर में भी जाकर देखेंगे। राम राम। कैसे विनोद? ठीक है, बढ़िया। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार। देखिए, ये गांव के जीवन शैली में ये देखिए आप, ये एक पूरी बाउंड्री बनाई गई है, बागड़ बोलते हैं। सभी लोग एक साथ रहते हैं। देखिए अब ये यहाँ पे दो बच्चे हैं, स्वान के मुर्गे मुर्गियाँ, और ये जो आप बना देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं विनोद? ये पलेंडी बोलते हैं इसको, पानी रखने के लिए व्यवस्था की है। अच्छा, ये बर्तन भी रख दिए पानी? हाँ, नीचे बर्तन नहीं रखते, ऊपर रखने के लिए। अच्छा। बर्तन है, पानी है, कुत्ता होता, कोई भी इसको चाट वाट नहीं जाए, तो इसीलिए बढ़िया व्यवस्था। तो फाइनली हम विनोद जी के घर पे हैं, और ये एक जो ये मकान है, कच्चा मकान है, आप देखिए तस्वीरें,
और ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कवेलू है, इंग्लिश कवेलू यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस घर में जो पार्टीशन जो हैं वो आपको बता दें कि ये देखिए, ये इनका यहाँ पर किचन है। आइए, ये किचन है और किचन में ये देखिए, ये मिट्टी की कढ़ाई है और इसमें तड़का क्या क्या बना रहे हो आप? भाजी। भाजी काय की भाजी है? संदोई की, झरकली बोलते हैं, चंदोई भी बोलते हैं। देखिए ये भाजी है और ये इसका तड़का भी बिल्कुल चूल्हे पर मिट्टी की उसमें लगाया जा रहा है। ये देखिए जीवन शैली है, ये किचन है। अभी उज्ज्वला योजना की बोतल नहीं दिख रही है आपकी? उज्ज्वला योजना की बोतल हमको फिलहाल में नहीं मिली, मतलब कनेक्शन ही नहीं मिला। कनेक्शन नहीं मिला क्यों? क्या पता, फॉर्म एक बार भरा था, रिजेक्ट हो गया। बड़ी अजीब बात है। देखिए धुएं में अभी भी काम करना पड़ रहा है। देखिए दूसरी तरफ ये चटनी देखिए, ये देसी चटनी है और देसी तरीके से बटी जा रही है इस पत्थर की, इसको खरड़ बोलते हैं। ये जो हिस्सा है इनके किचन से जुड़ा हुआ, यहाँ पर ये लोग अपने पशु बांधते हैं देखिए। और ये जो लकड़ियाँ हैं वो स्टोर की गई हैं, यहाँ पे पशु बांधे जाते हैं। वहाँ देखिए पुरानी जूम करके बताइए, ये एक छोटी घट्टी पड़ी है और गेती के आगे के जो हिस्से हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा था कि कैसे बांस का इस्तेमाल रोजाना होता है। ये तस्वीर देखिए, ये आप देखिए टोपला है, ये बांस का बना हुआ है। उस तरफ झाड़ू आप देख रहे हैं, ये भी बांस की बनी हुई है। यहाँ ऊपर भी आप देखिए बांस की लकड़ियाँ हैं, इसको बेस बनाया गया है। आइए दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर एक खाट है, ये ज़रूरी सामान है। ये भी बांस का बना हुआ है। क्या चीज़? ये खाट है, ये भी बांस। हाँ ये खाट भी बांस की है। ये देखिए ये मिट्टी का, इसमें क्या रखते हैं आप लोग? ये अनाज रखने के लिए, वो अनाज रखने के लिए इसको कोठी बोलते हैं। कोठी है, जो भी अनाज पकता है वो यहाँ रखते हैं, थोड़ा बहुत पकता वो। ये भी आपका सामान रखा है ना? कपड़े यहाँ पर देखिए आप रखे गए हैं। ये पीने के पानी का मटका है। तो देखिए दो कुछ सवाल अब इनके घर में आके हमारे मन में भी आ गए, पानी पी लेते हैं। थैंक यू। तो कुछ सवाल है विनोद, आइए बैठ के बात करते हैं। ये आपका घर तो बड़ा अच्छा लगा हमको, देसी तरीके से आप रहते हैं, लेकिन दो तीन सवाल हैं। एक तो आपने बताया कि उज्ज्वला गैस में आपको कनेक्शन नहीं मिला, मकान क्यों कच्चा है? मोदी जी ने तो कहा था 2022 तक सब पक्के हो जाएंगे। खाली मोदी जी है ना कहते हैं, फिलहाल में हमारे गांव में एक भी मकान अभी तक नहीं बना है। बने होंगे मिनिमम 5 या 10 मकान बने, और हमारे हर बार आते हैं सर्वाइव करने के लिए तो लिख के ले जाते हैं। काफ़ी टाइम से मेरे कम से कम 26 साल हो गए हैं, अभी तक हमको कोई प्रधानमंत्री आपके आपके यहाँ मैंने देखा बाहर कहीं भी वो शौचालय नहीं है। शौचालय भी कहते हैं कि मिल जाएगा करके एक बार बोल के गए, उसके बाद दूसरी बार आके बताया नहीं कि आपको मिला कि नहीं मिला, कुछ भी जवाब। आपके घर की स्थिति है कि पूरे गांव की? मेरे घर की स्थिति नहीं, पूरे गांव की स्थिति ऐसी की ऐसी है। मैंने देखा धामनी कटारा में कहीं शौचालय नजर नहीं आए। आप कहीं पे भी देखो हमारे गांव में आपको एक भी जगह शौचालय नहीं मिलेगा, और जिस लोगों ने अपने पैसों से बनाया उनके अकाउंट में अभी तक पैसे डले भी नहीं। तो गांव तो आपका ODF घोषित है, खुले में शौच से मुक्त। भले वो ODF घोषित है, खाली ये दिखावा के लिए घोषित है। कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि ये दे दिया, ऐसा कुछ भी अभी तक फिलहाल में नहीं मिला। दादा आप इधर आओ, आप विनोद के पिताजी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप आओ मेरे पास। देखिए पहले तो ये मैं, आपके बच्चे नहीं दिख रहे हैं मुझे, ये देना, बच्चों को बुलाओ, बच्चों को। देखिए ये चर्चाएं भी हो जाती है, देखिए फीडबैक तो यही रियल होता है, बाकी तो आप सरकार खुश होती रहे, सिस्टम खुश होता रहे कि भाई हमने सब कुछ कर दिया है। दादा क्या नाम? ये विनोद के पिताजी हैं, क्या नाम है? मगन नाम है मेरा। मगन भाई। तो कितने बच्चे हैं आपके विनोद के? दो बच्चे हैं। अच्छा, दो बच्चे। लड़कियां हैं? लड़कियां 4 हैं। सबकी शादी कर दी? शादी कर दी सर। तो आप ज्यादातर वक्त कहाँ रहते हैं? खेती करते हैं यहाँ पर? खेती करते हैं, मजदूरी जाता है। मजदूरी कहाँ जाते हैं? गुजरात में जाता है।
अभी कब आया मजदूरी? अभी मजदूरी तो मैं 8 दिन हुआ। 8 दिन गुजरात में कहाँ पे मजदूरी की आपने? हम राजकोट के। राजकोट, तो मजदूरी क्यों करना जाना पड़ता है? क्या मजदूरी करने जाता है यहाँ? कोई हमारा ज़्यादा लाभ है ही नहीं। क्या मजदूरी कर बाद में जाओ पड़ता है? नहीं जाए तो हम खाएंगे पैसा पैसे क्या खिलाएंगे? वहाँ क्या काम करते हैं? खेती का काम करता है कोई मजदूरी, एक सेठ लोग बुलाता है धंधो। तो आप अकेले जाते हो कि परिवार के साथ जाते हैं? मेरे दो, एक घर वाली को, एक बसा बड़ा है, दो चार जाते हैं हम लोग। विनोद यहाँ रहता है? छोटा बसा यहाँ रहता है, घर पे देखभाल करते हैं। तो आपके गांव में आप ही जाते हो कि और लोग भी जाते हैं? और भी जाता है सब, और भी जाता है, पूरा गांव का जाता है। कोई मैं डहा डहा मनखरी जाता है, बाकी सब पूरे गुजरात चले जाते हैं। यहाँ पे काम नहीं मिलता गाँव? काम तो खुलता ही नहीं, क्या काम मिलता है? कोई काम नहीं चलता सब हमारा गाँव में। सरकार के लिए रोजगार गारंटी में बहुत पैसा? सरकार ने तो तालाब बंधाया, नहीं डीम बंधाया, नहीं कुछ नहीं बंधाया साहब। पहले बंधाया था 20-25 साल पहले तालाब बंधाया, जिन्हें बाद में कोई बंद हो गया, कोई काम नहीं चल रहा है। आप आओ, आप आओ, देखिए इनके कजिन्स भी यहाँ पर आ गए हैं पड़ोस से। आप आओ ना, बैठो, आओ आओ, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू भाव सिंह कटारा। तो ये बताओ, ये दादा बता रहे कि सब लड़के गांव के गुजरात में? सही है सर। तो बड़े बेकार बात है, यहाँ पे काम नहीं है? कहाँ से काम हो रहा, खेती में काम है वो इतना है? खेती उतनी होगी नहीं, इतने कहाँ से होगा? खाने लायक हो जाता है बस, बड़ी मुश्किल से होता। अच्छा, अभी ये बताओ कि ये शौचालय आपके घर पे है कि नहीं? नहीं है, नहीं नहीं, बाहर जाना पड़ा? हाँ बाहर जाना पड़ा, मतलब नाले में। सरकार तो कह रही है कि खुले में शौच से मुक्त है। यार सर, नहीं 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 दिया, नहीं दिया अभी तक, नहीं दिया। मतलब 50 में से 10% अभी किसी को आया नहीं, मकान भी नहीं आया, मकान भी नहीं आया, शौचालय भी नहीं आया। शौचालय तो है नहीं, एक के पास भी नहीं है। और जूना था वो तो खत्म हो चुका। ये देखिए रियलिटी है, धामनी कटारा गांव राणापुर ब्लॉक मुख्यालय से महज 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना किलोमीटर राणापुर से? 4-5 किलोमीटर। तो ये तो चिराग तले अंधेरा हो गया। यहाँ के विधायक कांतिलाल भुरिया हैं, सांसद गुमान सिंह डामोर है, केंद्र और राज्य में मिला के डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनको तो गुजरात में जाना पड़ता है। और यहाँ शौचालय नहीं है, पीएम आवास की बहुत बुरी स्थिति है। पीएम आवास कितने लोगों को मिले यहाँ? कितने मकान बने आवास में? मतलब 10% मान लो ना सर। 10%? हाँ बस। तो ऐसे कब बनेंगे सबके? 10% 100 में से 10? 10 हाँ, 10 मान लो। तो सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? सरपंच अभी मेरा सरपंच मना जीता अभी ये साल में, तो वो बोल रहा मैं देखूंगा और निकाल के लाऊंगा। पुराना ने कुछ नहीं किया? पुराना ने कुछ नहीं किया। 10 साल 9 10 15 साल किया, कुछ नहीं। वो मेरा सरपंच ये पुराना वाला था ना, 15 साल बाद अभी आया, तो इसके बाद ये कुछ करेगा तो अच्छा है। इंतजार है, उम्मीद है आपको। इंतजार है, आप भी यही रहते हो? जरा आओ ना, आओ। कहने आप बैठे रहो दादा, आप बैठे रहो। तो आप ये गांव के तड़वी हैं? क्या नाम है? राकेश। ये राकेश भाई इस धामनी कटारा गांव के तड़वी हैं। तड़वी मतलब कि आदिवासी समुदाय में समाज का प्रमुख, समाज का प्रमुख है ना, ठीक है। ये तड़वी के क्या क्या काम रहते हैं? सब कुछ काम रहते हैं ना सर, हर काम में। क्या क्या काम करता है? हर काम में आगे बढ़, हर काम करता है, लाड़ी का कार्यक्रम करता है, जमा वसूली करता है, सब कुछ करता है। हाँ, कोई प्रॉब्लम ज्यादा हो तो थाना में भी। तो तड़वी साहब पूरे गांव में शौचालय नहीं है बता रहे लोग? नहीं है शौचालय सर, पक्का। आप तो सबके संपर्क में रहते हो? हाँ, सबके संपर्क में रहता है, नहीं है और सुनता भी नहीं है कोई। आवाज भी कम है बता रहे, बहुत कम आए, 10 आए। कम है, कम है, और हमारे गाँव में कोई सुविधा नहीं है, टेंकर नहीं है, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। सर, हमारे और लड़का लड़की की शादी होता है ना, वो पानी की बहुत समस्या अभी हो रहा है। पानी तो अभी है नहीं जमीन में, तो फिर सरकार को डालना चाहिए टेंट कर, वो करो हमारे को सुविधा। तो टैंकर भी नहीं है यहाँ पे? नहीं है। देखिए विनोद भाई के हम आए थे तो इनके बच्चे हैं पता चला, तो हम मिठाई और कुछ नमकीन लेके आए थे। बच्चों को बुलाओ,
डीपी बोल गया ना सुखी रोपी हमारा। हाँ, क्या गांव में क्या डीपी डीपी बोल गया सुधार ही नहीं सरकार डीपी बोल गया। तो कितने दिन हो गए डीपी को बदले? डेढ़ महीना था गया। डेढ़ महीने से डीपी नहीं बदली? ये तो 7 दिन में बदलते हैं। डेढ़ महीना था गया धान सूखा ही गया। सब्जी वाई मेली भिंडा करी मेल लिया साग करी मेली सब सूख गया। मतलब सिंचाई नहीं कर पा रहे? सिंचाई नहीं कर पाए। अभी लाइट बंद है पूरा। लाइट काफी दे दी उन लोगों ने। बेटा इधर आओ बेटा लो। मिलजुल के खाना है ना? ठीक है जाओ बेटा खाओ। देखिए अच्छा सरकार कह रही है कि किसानों की जो आमदनी है वो हमने दोगुनी कर दी है। हमारे में क्या है सब काम कोई लायक नहीं है कहीं कहीं नहीं। हमारा तो दोगुनी होगी कि नहीं? नहीं होगी। खर्चा बढ़ गया? खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, इसलिए तो लाइट नहीं है। अभी ये लाइट है ये तो मीटर वाला है, ये दूसरी है, मोटर चला है दूसरी है, वो एक अलग लाइन होगी। हाँ वो तो अलग है, मोटर चलाता है। दीपक बोल के मोबाइल नहीं कर रहा, मीटर वाला। डेढ़ महीना हो गया किसान लोग भूखे मरे। वो था ही रो बकालो हुकी गयो बदू भिंडा होगी क्या सब्जी होगी। एक बात बताओ ये चुनाव के बाद ये जो सांसद तो बीजेपी के गुमान सिंह डामोर और विधायक है कांतिलाल भूरिया, ये दोनों आपके गांव में आए कि नहीं? नहीं आए, नहीं आए। कटारा धामने में आया? इसने मुंडा तक नहीं देखा। गुमान सिंह डामोर में कहता था कटारा धामने में एक डेढ़ महीना में मकान दे दूंगा कहता था। अभी कभी कुछ था आज नहीं? 5-6 महीने पहले। हाँ पहले आया था, अभी कुछ नहीं किया गुमान सिंह डामोर ने। कांतिलाल भूरिया ने? कांतिलाल भूरिया आया नहीं? कटारा धामने देखा नहीं? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं धामनी कटारा के अंदर मेरी इतनी उम्र हो गई। अच्छा पिछले चुनाव में अपना गांव किस तरफ गया था विधानसभा चुनाव में? कांतिलाल भूरिया के साथ के बीजेपी के साथ? किस तरफ ज्यादा वोट किधर गए? ज्यादा बीजेपी में कोई दिया, कांग्रेस में भी दिया, दोनों दिया। हाँ दोनों दिया। पर अब दोनों ने कई काम ही नहीं किया, काम ही नहीं किया, फिर क्या दोनों को दोगे कि कुछ नया सोच रहे हो? अभी तो नया बनेगा तो नया सोचेगा साहब, नया बनेगा नया सोचेगा, नहीं तो नहीं। नेताओं को सही तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी काम चले। गांव में शौचालय नहीं, फिर भी जाते हैं सर, लेकिन कांतिलाल सुना नहीं देते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? कांतिलाल भूरिया जीती को सल्ले आ जाए, जितिन सल्ले आ जाए। मेरे ये मंदिर पे कार्यक्रम थे सर, हर साल तो मंदिर पे आया, 5 मिनट रुका चला गया, 4 साल अगले साल में। अभी भी हमारा मंदिर का उद्घाटन अभी भी आ रहा। मतलब लोगों की समस्याएं सुनने कोई नेता नहीं आता है, कोई नेता नहीं आता। ये देखिए बड़ी विडंबना है, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, कटारा धामनी के हमारे कटारा धामनी में कुछ काम में नहीं आता। इस गांव को लावारिस छोड़ दिया नेताओं ने, ठीक है यही बोलेंगे ना अपन? और सरकार का भी ध्यान नहीं है, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। कलेक्टर इलेक्टर ने शिविर विविर लगाए थे, आए थे कि नहीं यहाँ पे? नहीं आया तो क्या आया? नहीं आया, नहीं आया कोई कलेक्टर, कोई नहीं आया, नहीं आया। रणापुर में आता है, रणापुर में से वही चले जाता है। नहीं तो गांव में क्या तकलीफ है, वो तो देखना चाहिए ना। नहीं देखता, देखता नहीं है। कहना है कि हमारा 4 किलोमीटर पड़ रहा है, नहीं आता है। नहीं आता हाँ, 4 किलोमीटर तो उससे क्या अलग तो है ना, गांव तो है ना। अच्छा कितने आबादी है यहाँ पे, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 1500 कितने वोटर है? ज्यादा 1800 से 2200। 2000 मान लें, 2000 के आसपास ज्यादा है। हम तो जनसंख्या ज्यादा है, वोटिंग इतना पड़ता है ना क्या? हाँ 2000 वोटर है तो आबादी तो 3500 होगी। हाँ ये इतना 3500। तो दादा फिर से जाओगे गुजरात? जाऊँ बड़े साहब, यहाँ कहीं धंधो नहीं चल रहा, क्या करेंगे? ये लगन कब जाओगे? सोकरा का लगन 8-10 दिन पीछे जाएंगे। अभी शादी करने आए हो? शादी करने आए। किसकी शादी? हमारा भतीजा की। देखिये आए थे हम आदिवासियों की जीवन शैली आपको बताने, लेकिन उनकी समस्याएं भी आपको बता दी। अब इसमें किसी को सियासी चीज़ नज़र आए तो वो देखता रहे, लेकिन जो बातें हुई तो फिर वो आपके सामने है खुले मंच से। फॉर्म भरने के लिए ये लोग जाते हैं तो कभी कहते हैं वहाँ KYC कराओ, वहाँ से बोलते KYC नहीं, आपके आधार कार्ड चेंज कराओ, आधार कार्ड चेंज कराओ तो कहते आप अकाउंट खुलाओ, अकाउंट खुला हुआ तो आपने इसमें नंबर अपडेट नहीं कराए, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराए, आपको बहुत सी समस्या बताते और वहाँ से वापस रिटर्न कर देते। तो KYC वगैरह सही करवाना पड़ेगा ना? KYC वगैरह तो सही करवा देंगे ना, पर हर बात आदमी एक दिन के लिए रहता होगा। मतलब आप ये कह रहे हो जा सकते, हम तो 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए फिर भी
कोई जात का कोई नहीं कहते, और जो मंत्री के पास जाते तो वो कहता कर दूंगा अभी कर देंगे। तो मतलब ये ऐसी बातें करते। 30 तारीख लास्ट है इसमें, 30 तारीख लास्ट है। मेरी बात सुनो, वो सेंटर खुलाओ ना आधार कार्ड वाले उंगली वाले, वो दूसरा सेंटर 2-3 सेंटर खोलवा दो, किसी को तकलीफ नहीं पड़ रहा। हाँ तो सरकार कहाँ कर रही है, तो सरकार का काम है ना। सरकार का काम है जैसे आधार कार्ड बनवा, आपकी मांग तो पहुंच जाएगी है। आप जो मांग कर रहे हैं ये देख लेंगे सरकार के लोग, लेकिन वो सेंटर दो ना। अच्छा ये जो अभी एक चीज हो रही है, अभी चार महीने पहले एक कानून लाभ बनाया है अभी शिवराज सिंह जी ने, पैसा कानून, इसके बारे में पता है कुछ? नहीं सर पता नहीं है, नहीं मालूम। नहीं मालूम। ये तड़वी साहब बताओ, इनको मालूम नहीं है पैसा कानून? नहीं मालूम, नहीं मालूम। या ग्राम सभा बनाई होगी ना, कोई सूचना अलग से सूचना नहीं दिया ना ग्राम सभा क्या होती है, इनको ये भी मालूम नहीं है। आपको मालूम है पैसा एक्ट क्या है? नहीं सर, नहीं मालूम। नहीं नहीं, गांव में कितने लोगों को नहीं मालूम? आप आओ, आपको इधर आओ, यहीं रहते हो ना आप भी? क्या नाम है, आप इधर आ जाओ। रमेश, रमेश भाई मालूम है पैसा कानून क्या है? ये कोई बताया नहीं हमने सर, नहीं बताया। नहीं। पंचायत ने जानकारी नहीं दी? नहीं दी। मंत्री सचिव ने? किसी ने नहीं दी। पटवारी ने? पटवारी ने नहीं दी। शिविर लगा के कोई बताने नहीं आया? नहीं आया बताने के लिए। चलिए पैसा एक्ट भी देख लिया, कितना पता है आदिवासियों के, इनके हक के लिए बनाया गया है। तो ये तो बताना चाहिए, सरकार कह रही है कि हम तो गांव-गांव में जाके शिविर लगा के बता रहे हैं। एसपी कलेक्टर तहसीलदार थानेदार ये लोग नहीं आते, टीआई लोग नहीं, 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 नहीं बताया नहीं। तो ये कौन बन गया फिर ग्राम सभा का? कागज में तो बनी हुई है, कागज में बनी हुई है ये ग्राम सभा का, जो इन लोगों ने बनाया होगा, इनके अंदर के लोगों को बनाया होगा, इनके जो ग्राम सभा का जो भी बनाया कह रहे हो कागज पे बना दिया, जमीन पे कहीं नहीं है, जमीन पे कहीं नहीं है। पैसा एक्ट की रियलिटी भी धामनी कटारा से लाइव देख लीजिए, सुन लीजिए, ये लगातार हम आपको बताएंगे, इस तरीके के दौरे लगातार करेंगे, तो आपको यहाँ के जीवन शैली के साथ साथ इनकी समस्याएं भी आपको बताएंगे, और सरकारी दावे और योजनाएं जमीन पे इनके साथ कैसी हैं वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए विनोद भाई ने हमको खाने के लिए ये दिया है, ये है झरकली की भाजी और प्याज, और ये है मिर्च की चटनी। मिर्च के साथ क्या क्या रहता है? मिर्च के साथ धनिया रहता है, लहसुन रहता है। अच्छा। और हल्का सा मसाला डालते हैं, गर्म मसाला। तो ये तीखा होता है, और ये है सफ़ेद मक्के की बनी हुई रोटी। देसी मक्का है ना, देखिए बढ़िया तरीके से इसकी सिकाई हुई है। अब इसका आनंद लेते हैं, तो आपको अगर इसका आनंद लेना है तो झाबुआ के गांव में आना पड़ेगा, अगर आप झाबुआ से बाहर रहते हैं। तो आपको हमने इस रिपोर्ट में ये बताया कि आदिवासी जीवन शैली क्या है, गाँव की जीवन शैली क्या है, किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके की परेशानियों से वो जूझते हैं, रोजगार से लेकर शासन की बुनियादी सुविधाएं और योजनाएं उन तक कैसे नहीं पहुंच पाती। कागज पर ये गांव ODF है, पैसा एक्ट लागू है, लेकिन इन्हें नहीं पता। अब इस रिपोर्ट पर आपकी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और फिलहाल हम आनंद उठाएंगे मक्की की रोटी और इस भाजी का।